हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सुन के हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट, बल्ब जलना, कंप्यूटर जिससे हम चलाते हैं, अपने मोबाइल चार्ज जिससे हम करते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी का ही खेल है। और आज मॉडर्न एज में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमको सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते, कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, एवरीथिंग, हमारा स्ट्रीट लाइट, घरों की लाइट, जितनी भी लाइट्स हैं, सब किससे पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल है। और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इस एज में, नाउ मॉडर्न एज में, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते। तो चलिए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी हमारे माइंड में आता है तो हम वही हमारे माइंड में जाकर बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, जहाँ से हम पावर हाउसेज हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, हमें एमसीबी मीटर हमें दिख जाएंगे, वायर्स दिख जाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी के ये मीडियम्स हैं जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। बट इलेक्ट्रिसिटी ये जैसे वायर में आती है, वायर में चलते हुए आती है, कुछ तो होता होगा उसके अंदर। तो जी हाँ, जो चलते हुए आता है ना, उसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। जी हाँ, तो यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर और सेम रिपल ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब आजू बाजू, पास में आना, रिपल मीन्स दूर भागना, दूर भागते, सेम सेम दूर भागना, अपोजिट अट्रैक्ट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दो तरह के आपके चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिएगा, भले से पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इनकी वैल्यू एक ही होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। कूलाम इनकी जो बेसिकली जो यूनिट होती है उसको कूलाम, एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके सम्मान में उनके नाम के थ्रू हमें ये यूनिट दी जाती, कूलाम। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो ये चाहे पॉजिटिव की बात हो चाहे नेगेटिव की बात हो, मैग्नीट्यूड आपका रहेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो ये दो तरह के चार्ज, दोनों की वैल्यू यही की यही रहने वाली है। सो ये आपके होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कुछ पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है और वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग द वन कूलम्स। मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अब आप सोच रहे हो सर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें तीन, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपका जो सबसे लोएस्ट एक यूनिट होती है किसी भी एटम की। तो यहाँ पे वही हमें अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्योंकि मेन काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कूलाम में कितने होंगे। तो जैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो ये न्यूमेरिकल नाम का न्यूमेरिकल है नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन मेरा कोशिश ये थी कि क्वेश्चन बता के आपको कम से कम एक छोटा सा न्यूमेरिकल से शुरुआत हम कर ले, श्री गणेशा नमः कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितने, ये आपका ये टोटल चार्जेस होते हैं, इन चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जरा एक ध्यान से एक बात मुझे बताइए, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने मैंने बोला कि भाई मेरे पास 10 रुपये हैं, कितने रुपए मेरे पास 10 रुपए हैं, और एक मेरे को बनाना परचेज करने, और एक बनाने का जो रेट है वो 2 रुपये है। 10 रुपए मेरे पास टोटल हैं, 2 रुपए का एक किल बनाना मिल रहा है, तो उसको क्या करूँगा मैं, एग्जैक्टली डिवाइड करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो क्या करूँगा मैं, वन, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने, वन है, तो वन से डिवाइड करूँगा 1.6 × 10⁻¹⁹। सो अब देखिएगा होता है क्या है कि जनरली डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। तो आपको करना क्या होता है, आप 10⁻²⁵ को उसको अपने 10⁻²⁵ को 10⁻²⁵ से डील करा करें और नंबर्स को नंबर से डील करा करें। तो 10⁻²⁵ ऊपर चला जाएगा तो नीचे ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव उस तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं जैसे ही डेसिमल हटाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/16 ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स 10/16। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 5s are 10 और 2 8s, तो क्या बचेगा, 5/8 × 10⁻¹⁹। अब इसको देखो, 8 से डायरेक्ट मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा, डेसिमल रखूँगा तो 50 हो जाएगा, तो 8 6s are 48, कैरी आया 2, डेसिमल रखा 20 हो गया, तो 8 2s are 16 और 8 5s are 10⁻¹⁹। सो एक, अब इसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू में हमें लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये
6.25 10s टू पावर। देखिएगा मैंने यहाँ पे 1 डेसिमल इस तरफ खिसका दिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात एक कम हो जाएगा, 10s टू पावर 18 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका आपके जो एक कूलम चार्ज में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6.25 10s टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, जैसे अगर न्यूमेरिकल तो है ही है, साथ में आपका MCQ एक नंबर में पूछ सकते हैं लोग कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज तो कितने होते हैं, 6.25 10s टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे आपको ये समझ में, इफ़ यू वॉन्ट टेक स्क्रीन शॉट यू कैन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरफ ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा इसके बाद जो नया देखिएगा चार्ज, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ही शुरुआत में है, तो हम बहुत छोटी 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 चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब देखिएगा अब आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, या इनको नॉन कंडक्टर्स भी कहा जाता है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस हु कैन अलाउ टू पास चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंडक्टर्स वो होते हैं जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी बस इतना समझो कि फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो चार्ज थे हमारे पास जो पॉजिटिव या नेगेटिव अभी वहीं तक रुकते हैं, तो वो जो चार्ज को अगर ये लोग फ्लो होने देते हैं, देखिएगा पावर हाउस से आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, तो वो खुद चल के इलेक्ट्रिसिटी किसी फॉर्म में ही आती है, वो चार्जेस के फॉर्म में होता था, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो किसी मीडियम के थ्रू होता है, अब वो मीडियम्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होंगे, क्योंकि भाई जो जिसको फ्लो होने देगा, अगर वो चार्जेस को फ्लो होने देगा दैट मीन्स वो कंडक्टर्स, और नहीं फ्लो होने देगा वो इंसुलेटर्स या फिर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर्स कौन हो जाए, जैसे कि अब ऑब्वियसली बात है आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो आती है वो एल्युमिनियम वायर के थ्रू आती है, या लोहे में लग जाएगा, वाटर, ये जो जो भी अलाउ करते हैं करंट को पास होने में वो कहलाते हैं आपके कंडक्टर्स, और जो जो अलाउ नहीं करते वो क्या कहलाता है आपके इंसुलेटर। जैसे कि वुड हो गया आपका, वुड अलाउ नहीं करता, प्लास्टिक अलाउ नहीं करता, रबर अलाउ नहीं करता, और साथ में और क्या कह लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो चीज़ अलाउ नहीं करती वो आपके इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जो अलाउ करते हैं वो आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आ गई ये चीज़, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं जी नए टॉपिक पर, इसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए होता क्या है, जब भी फिजिक्स में कोई भी चीज़ आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे, तो जब भी किसी चार्ज को आप कहीं से कहीं तक लाते हैं, जैसे आप वैसे कहीं घर इलेक्ट्रिसिटी है उसको ही आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, अपने पावर हाउस से लेकर आ रहे हैं सिटी में, अपने घर पे जो आ रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक लाने में कुछ उसको काम तो करना पड़ेगा ना, या ऐसे ही आ जाएगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली, तो जो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, द वर्क हैज़ टू बी डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं आपका, वी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या यूनिट होता है इसका, वोल्ट इसका यूनिट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है आपका, बहुत सिंपल है, कोई वर्क डन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ तक लाने में, किसी भी पॉइंट तक लेकर आने में। अगर आप, मैं कैसे कहना चाहूँगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से, अब आप इन्फिनिटी वर्ड समझें, देख इन्फिनिटी मतलब हर सुनते से हमारे माइंड में एक चीज़ क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी का मतलब है कि भैया बहुत बड़ा, बहुत दूर, जिसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं, इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, बट एग्जैक्टली इस बात का मतलब ये नहीं होता। इन्फिनिटी फिजिक्स का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसका डिस्टेंस क्या है, तो जो भी डिस्टेंस होगा उसका, तो हम उसको इन्फिनिटी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी से कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, और वहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो काम हो रहा है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और ये आपका इसके यूनिट होती है वोल्ट। अब आपने इसके बाद का जो टॉपिक सुना होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी दो पॉइंट है उन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे सपोज करो कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 10 है, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 20 है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 एग्जैक्टली 10 वोल्ट। Got it?
तो जैसे ये वी वन है, ये वी टू है, तो मेरे को अगर वी निकालना है तो वी वन माइनस वी टू करूंगा तो 20 में से 10 जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली बात ये भी है तो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसकी मैं डेफिनेशन दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो वर्क डन के फॉर्म में कैसे बोलूंगा कि अगर इस पॉइंट को मेरे को इस पॉइंट तक लाना है ना, इस पॉइंट मतलब इसी पॉइंट को मेरे को यहाँ तक कहीं तक लाना था, तो अभी इसका 10 है और यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। तो यही कहेंगे कि अगर किसी पॉइंट को, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर ले जाना, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लेकर जाते हैं, तो जितना वर्क डन होता है उसको क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो अब इसको अगर मैं फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। द फॉर्मूला इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना हम वर्क कर रहे हैं वो उसके अपॉन में चार्ज, क्योंकि चार्ज को ही मूव कर रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब इसका यूनिट में दो तरीके से निकाल सकता हूँ, पहला तो इसका यूनिट वोल्ट होता है सबको पता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो वर्क का यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जूल कूलम इनवर्स, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, एक और जूल कूलम इनवर्स। और बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q, W क्या है आपका, W इज अ वर्क डन और Q इज अ चार्ज। सपोज करो कि Q की वैल्यू 1 हो जाए, Q की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक कूलम चार्ज को आप मूव करते हैं और दूसरे उसको इलेक्ट्रिसिटी एरिया में लेकर आते हैं, तो जितना भी आप वर्क डन करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया आपको। अब इससे रिलेटेड हम एक का न्यूमेरिकल कर लेते, तो देखिएगा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। सर एग्जैक्टली मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बोला क्या उसने, व्हाट इज अ वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करना है, किसी चार्ज को मूव करना है, उसका चार्ज का वैल्यू क्यू का वैल्यू दिया है 2 कूलम, और आपसे कहा है कि पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ 128। यहाँ पे दो पॉइंट दिए, दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। अब मेरे को बेसिकली कोई तीन चीज़ें दी हैं, तो मेरे को किसी की वैल्यू निकालना है, मेरे को बस दो वैल्यू पता हो तो एक वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ मैं। तो मेरे को Q की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू उन्होंने बोला 2 कूलम, V की वैल्यू मैं अभी हाल निकाल लूँगा क्या है, इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू 118 है और V2 की वैल्यू 128 वोल्ट है। तो अब ऐसी बात है, V क्या होगा, V2 माइनस V1, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 128 माइनस 118, तो आंसर इज 10 वोल्ट। ऑब्वियसली बात मेरे पास अब Q भी है और V भी है, तो ऑब्वियस मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। तो V की वैल्यू है 10, W अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 20 वर्क। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो आपको कितना वर्क डन, तो भैया ये है कि आपको 2 कूलम चार्ज जो है उसको आप 118 से 128 पर लेकर जाएंगे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 20 जूल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा आपको, 20 जूल। तो वे सिंपल क्वेश्चन है, इससे बहुत देखिएगा, ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपको ज़्यादा मैं हॉट्स क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे आदत लग जाएगी इन चीज़ों की, तो फिर आपको बड़े क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेंगे जैसे अभी छोटे क्वेश्चन भी छोटे लग रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट एक ही बात है, ऐसा ही लगता है क्या, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल ज़िंदगी हमारी लाइफ जो चल रही है उसमें हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। करंट क्या होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है, करंट हम बोलेंगे कि द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, करंट को हम क्या बोलेंगे, द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स ये है कि जब ये करंट फ्लो होता है, करंट जो फ्लो रहा है, एक्चुअली करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो होते हैं, तो जो चार्ज फ्लो होते हैं वो पर यूनिट टाइम मीन्स पर, जैसे सेकेंड बोल सकता हूँ मैं, आर बोल सकता हूँ, मिनट बोल सकता हूँ, तो वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे मान लो कि 10 चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो ये आपका करंट हो गया। तो इसका जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, वेरी गुड। तो अगर मैं इसकी यूनिट दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्या बनाऊंगा, क्यू की वैल्यू, क्यू मतलब कूलम और टाइम मतलब सेकेंड होता है, तो कूलम सेकेंड इनवर्स वैसे कह सकते हैं, अदरवाइज इसका नाम एम्पियर तो है ही, एम्पियर भी यूज कर सकते हैं,
और कूलम सेकेंड इनवर्स। तो ये चीज़ आपको होप यू गाइस ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो तो देखो बता दो, मैं सुन लूँगा। आप बताओ मैं सुन लूँगा। चलो ठीक है आगे चलते हैं, है ना। देखिएगा न्यूमेरिकल है, अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर फॉर 20 मिनट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बहुत सिंपल बात है, हमारे पास फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालना है। आई और टी मुझे दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पीयर और टाइम कितना दिया है 20 मिनट। तो बस यही चीज़ तो ध्यान रखनी है। फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप उनकी यूनिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यूनिट की, भैया उसकी यूनिट एग्जैक्टली सही है भी कि नहीं है। यूनिट सही होने का मतलब ये है कि जैसे SI में है कि CGS में। अभी आप SI CGS लेके कन्फ्यूजन ना बिठाएं, आप हमेशा ध्यान रखें जो टाइम होना चाहिए ना, टाइम सेकेंड में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? टाइम सेकेंड में। तो हम सबसे पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कर दीजिए। तो भैया एक मिनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं? 60 होते हैं ना। तो बस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड। बस सिंपल सॉल्व कर देंगे, आई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन में टी। तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 0.25, क्यू और टी की वैल्यू 1200। तो उधर लेके जाऊंगा तो 0.25 इंटू 1200 इक्वल्स टू टी, सॉरी क्यू। तो क्या होगा आपका, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 टू ज़ा 50, कैरी आई 5, 25 वन ज़ा 25, 30, 300, डबल ज़ीरो 2.5 डेसिमल। तो आपका Q की वैल्यू कितनी जाएगी? 300 कूलाम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी Q की वैल्यू? 300 कूलाम। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को हम यहीं रोक देंगे, मतलब इसका जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट वन था मैं यहीं ख़त्म करता हूं। हम पार्ट टू में इसको, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप जो जो भी चीज़ मैंने बताई हैं, जो भी डेफिनेशंस बताई, जो भी फॉर्मूलाज बताएं, आप उनको बकायदा माइंड में रखो, क्योंकि माइंड में रखोगे तो आपको वो चीज़ें आगे जाके दिक्कत नहीं देंगी। अभी आपने जो भी पढ़ा है वो आगे पूरा का पूरा चैप्टर में आपको पूरा आने वाला है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स में हो, चाहे वो कंसेप्टिव क्वेश्चन में हो, चाहे वो थ्योरी में हो। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें आने की, बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट आगे का वीडियो बताऊंगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिसको भी फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, मैथ्स को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश को लेके, हिंदी को लेके, संस्कृत को लेके कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपकी जो कमेंट है बाकायदा पढ़ी जाएगी और उसके साथ ही उसका जो सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम लोग। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।